जय श्री महाकाल सभी लोगों को। तो आज हम लोग महाकालेश्वर से ओम कालेश्वर के लिए निकल रहे हैं। गाड़ी पीछे हमारी खड़ी है और का हाँ बसंती चुम्मा देगी। उसमें जो आड़ नहीं बनी बस बोलती तो हम लोगों ने टवेरा हायर किया अभी और अब इसी से जाए। हाँ और गाड़ी बुक किया, गाड़ी में बस में जगह नहीं मिली है। कौन सी अम्मा कच कह नहीं जय हो जय जय श्री राम मात श्री नर्मदे। तो काफी इंतजार कराया भैया ने, अब हम लोग जल्दी हैं। बोले ओम कर महादेव की जय। अरे शिवकोड़ी गुफा में जा रहे का ना बुला रहे, भूखे प्यासे बुला रहे। अरे टू है ना, तू लिखी थी वहाँ पे नेशनल हाईवे टू है। रोक लियो हमारी अंदर मारे को कोई हो ये बोना है। वेलकम मित्रों, तो अब हम लोग पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर महादेव। अभी जस्ट उतरे हैं गाड़ी से, गाड़ी करके लाए थे पर्सनल, पर्सनल। बस नहीं मिल रही थी वहां से। ओके तो अब हम पहले घाट पे जाएंगे नहाने धोने, नर्मदा नदी, उसके बाद हम लोग दर्शन करेंगे ओमकारेश्वर महादेव। ये धरती ये रुते ये हवा क्या करो, और इनकी हालत तो देखो कैसे पंगे पंगे चल रहे। ले ले का उन्हें का अन्नू जग चाल लेगी राजा की। गौमुख घाट चलो भैया, पहले गौमुख घाट पर पहले नहा लूं फिर है। दादा दादा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलो अरे नहा लूं क्या कह रहे यही नहा देंगे काय से है। अरे वाह जे भाई, अच्छा सेब बता से। आ रहा हूँ। जय माँ नर्मदा युवा संगठन। ओके चले रहो है कहा नीचे नहाने के लिए
बाबा जी की बहुत है, पीछे से दिख रही थोड़ी है। ला 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 नर्मदा मैया की जय हो। का हो अबे खूब गहरो पानी हो ना। हाँ ठीक है, एक गोवा नहाने के लिए अपना एक है सुना है जहाँ मोरी चढ़ी ले। मंदिर क्या चला बताओ ना व्यवस्था। जल्दी से आ रहा है बंदे, हम भी जल्दी आएंगे। घर में डेढ़ दो घंटा तो मंदिर ही पहुँच पाओगे। ओंकारेश्वर मंदिर चक्रवर्ती तीर्थ घाट। कौन से है चक्रवर्ती? कहाँ आ रहे हो? गंगे गोदावरी और हम नर्मदे घाट में आ गया नहाने। हो माता नर्मदा की हमारा बस्तर भंगी गायब हो गया। ना 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 ओ ओ ये ना कहने लग रही तो हम लोग नहा धो के तैयार हैं, प्रसाद ले रहे हैं। वत्सल भाई सभी लोग प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद लेके सीधे चलते हैं मंदिर। हाथ धोया है तुम वहाँ क्या बच गए थे? हाँ चार लोटे चढ़ाने वहाँ मिल जाते हैं। है चल यहीं पे चढ़ाया जाता है। अच्छा अच्छा वो ही तो पूछ रहे थे। हाँ बल्ले जो हाँ जय हो मां नर्मदे। चलो एक मिनट है। ओए ओए अन्नु बल्ले भैया हैं। चलो ठीक है हेलो।
हर हर महादेव, बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो दोस्तों हम लोग अब ओमकारेश्वर महादेव पे चल रही है, मंदिर के लिए निकल रहे हैं। अभी नहा धो के फ्री हुए हैं जस्ट। पंडा जी हमारे ये चल रहे हैं आगे। अनुज आगे बुझा रहा रेड वाले कुर्ते में, राजा बेबी पीछे पीछे आ रहा। राजा बेबी पता नहीं क्या हो गया। चलते हैं आपको हम ओमकारेश्वर महादेव का मंदिर दिखाते हैं। नदी में नहाए अभी, नर्मदा नदी में। पानी बहुत ठंडा था लेकिन साफ पानी था बहुत ज़्यादा। यूजली इतना साफ पानी होता नहीं है यूजली अपनी तरफ, लेकिन यहाँ नर्मदा नदी का पानी बहुत ज़्यादा साफ था। आप डायरेक्टली पी सकते हो इतना ज़्यादा साफ पानी। और काफ़ी भीड़ लगी है। ये हमारा प्रसाद का टोकरा, यहाँ से प्रसाद लिया हम लोगों ने, बैग वहीं छोड़ दिए। उन्होंने बोला आप आराम से दर्शन करके आओ, बैग आप आराम से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बैग आपके कहीं नहीं जा रहे। हम चल दिए मंदिर की तरफ। बोलने की 4 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। अभी 3 बजने वाले हैं, 1 घंटा है। मिल जाए बाबा तो मिल ही जाए, नहीं तो फिर देर हो जाएगी, तो फिर 1 दिन का स्टे करना पड़ेगा। यहाँ से लाइन लगती है मंदिर की। अच्छा आगे से लाइन है, अच्छा आगे से लाइन है। चलो चलो आगे से लाइन है, चलते हैं। तो फिर ये हमारा राजा, जैसा बताया गया तो उतनी ज्यादा भीड़ तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी भीड़ तो है। आगे चल के आपको पूरे रास्ते भर के दिखाते हैं कैसे क्या होता है। ये डोरी के इस तरफ मंदिर की लाइन है, डोरी के उस तरफ नॉर्मल लोगों के लौटने वाली लाइन है। तो राजा बेबी कैसा लग रहा है आपको, आप बाबा के दरबार में आ चुके हो, कैसा लग रहा है कुछ बताओगे? हाँ पंडित जी कैसा लग रहा है आपको, क्या बोलो? अन्नो अति सुंदर। 1 घंटा है वो लाइन लगे, 3:55 है भी है वो है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देख ली सारी दुनिया के भैया एक ही है, घूम ली सारी दुनिया कन्हैया एक ही है। श्री ओम कालेश्वर ज्योतिर्लिंग मुख्य प्रवेश द्वार। बोले जय धोरी राधे, किशोरी कुछ ऐसा गाना लगेगा। चिट्ठी न कोई संदेश ना जाने वो कौन सदे, रस्सी बांधे बहुगा मजबूत रस्सी बांधे, जमीन ढोने गई है तो ठीक है। मुझे क्या मिला है ये तू जानता है, मैं जानता हूँ तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। अरे छिना तो ना लेंगे फोन भैया, खाली है तुम लोगों के बच्चा। मैं तो शाम 4 बजे के बाद लंबी लाइन है यार।
रुक जा डट जा, काहे परेशान हो। कहाँ तक यार चढ़ के जानो अबे यार। हम लोग गर्भ गृह झुंड में जाने वाले हैं तो इसलिए अब हमारा फोन नहीं जाएगा। अब यहीं तक साढ़े लगभग चार घंटे लगे रहे लाइन में, तब घंटे गेट तक आ गया। बोले हर हर महादेव। वो सामने एलईडी पर वाले बाबा के दर्शन हो रहे हैं। श्री महाकाल। तो दोस्तों काफी अच्छे दर्शन हुए इस बार। पांच सेकंड तो रुकी गए होंगे, ना 3 सेकंड तो रुकी गए होंगे दर्शन में। काफी मजा आया। पंडा जी आप भी बताइए थोड़ा। भैया 6 घंटा लाइन में लगने के बाद दर्शन कम्प्लीट। बोलिए बाबा की जय हो। ओम कालेश्वर महादेव की जय। शायद अभी आरती ना हुई हो नर्मदा मैया की तो मजा आ जाइए। और अगर आरती हो गई तो सब खेल बिगड़ जाइए। माता नर्मदा के तट का ये व्यू है। मंदिर ओम कालेश्वर महादेव मंदिर है ये सामने। रात्र का ये आपको नजारा जो इतना अद्भुत और अच्छा दिखाई दे रहा है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप यहाँ आए और इसे जरूर देखें। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। राधे राधे। भैया का देख रहे।